हेलो है गाइस, वेलकम टू एस राइंग। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए RC 390। दोस्तों ये बाइक ना स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो ये हमारे पास काफ़ी दूर से है। दोस्तों वो सब कुछ आपको पता लगेगा वीडियो के अंदर। तो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल घंटी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बातें करते हैं इस बाइक के बारे में थोड़ी बहुत और सीधा बाइक दिखाते हैं। दोस्तों ये रही वो RC 390 जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। दोस्तों इसकी थोड़ी सी स्टोरी पीछे जाते हैं, जैसे कि हमारी जो कस्टमर से क्या बात हुई थी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बात हुई थी कस्टमर का, ये कहना है कि भैया मैंने ये बाइक को अच्छे से वॉशिंग कराया था और वॉशिंग करा के थोड़ा सा ही आगे गया था और क्या हुआ, सडनली बाइक जो है चलते चलते अचानक से बंद हो गई। और जब बंद हो गई तो उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई, मैंने काफ़ी देर सेल्फ मारे और मैंने सेल्फ मार मार के बैटरी भी लो कर लगा वो के सब चेक कर लिया, तो फाइनली उनसे बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने अपना, हमारे सब्सक्राइबर निकले और हमारी वीडियो देख के हमारे पास आए, तो उन्होंने मुझे जैसे जैसे मैंने आपको बताया तो उन्हीं, मेरा जो है काम सबसे पहले पूछना होता है कि भैया आपकी बाइक में क्या दिक्कत थी कैसे थी, तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हमारा काम है इस बाइक को स्टार्ट करना। और दोस्तों किस तरीके से बाइक को प्रॉपर चेक किया जाता है, कैसे बाइक को स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से शुरुआत की जाती है, वो सारी की सारी बेसिक चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इस बाइक को हम स्टार्ट करने वाले, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं हम भी चेक। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 टॉपिक्स बताता हूँ, जो अगर आपकी बाइक भी अचानक से बंद हो जाती है चलते चलते, तो आप 3 चीज़ों पे जरूर फोकस करें जिससे कि आपकी बाइक जो है स्टार्ट हो सकती है, या आपने किसी मैकेनिक को भी बता सकते हो, मैकेनिक भी कर सकते हैं इस चीज़ को फॉलो। तो 3 टिप्स के अंदर मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अचानक से जब बाइक बंद होती है तो पहला जो टिप्स है स्पार्क प्लग। क्या होता है दोस्तों, वॉशिंग होती है, वॉशिंग के बाद क्या होता है पानी वगैरह कुछ लग जाए तो हो सकता है 1% स्पार्क प्लग जो है शॉर्ट हो गया हो। अगर स्पार्क प्लग शॉर्ट हो जाएगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो पहला पॉइंट दोस्तों ये है। सेकंड पॉइंट दोस्तों होता है अपना ये फ्यूल पंप। और फ्यूल पंप के अंदर दोस्तों जैसे कि आपको पता पूरी असेंबली होती है, और असेंबली के अंदर होती है मोटर, काफ़ी पुरानी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा जैसे जगह जगह पेट्रोल पंप से अलग अलग पेट्रोल मिलता है, तो हो सकता है मोटर में भी दिक्कत आ गई हो, सकता है मोटर खराब हो गई हो, तो जिसकी वजह से पंप चेंज कर सकते हो, तो हो सकता है पंप में दिक्कत हो। ठीक है दोस्तों, ये होगा दूसरा टॉपिक। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। हो सकता है दोस्तों आपका जो इंजन का, जो मेन इंजन का कंप्रेसर है, वो हो सकता है वही वीक हो गया, उसी में दिक्कत आ गई हो जिसकी वजह से कंप्रेसर नहीं बन पा रहा और बाइक स्टार्ट नहीं होती है। उसके तीसरे कारण भी हो सकता है कि बाइक में जो है कंप्रेशन चला गया हो, तो हो सकता है उसकी वजह से बाइक स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों कहीं ना कहीं ये 3 जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, यही 100% इन्हीं में से, तीनों में से एक ना एक प्रॉब्लम आती है, 1, 2, 3 इनमें से एक ना एक प्रॉब्लम आती है जो बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती है, तो हो सकता है उनमें से एक पार्ट आपका खराब होगा तो बाइक आपकी जो है। और दोस्तों बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 3 टिप्स बता दिए थे, तीनों में से चेक करने थे, लेकिन दोस्तों हमें जो है ये भाई जिनके पास बाइक लेके थे मैकेनिक के पास, तो उन्होंने पंप को चेक किया और उन्होंने बताया कि इनका ना पंप खराब है, तो उनों के पास तो पंप वगैरह नहीं था, तो ये हमारे पास आए, तो हमने इनका पंप जो चेक किया ना, वाकई में भाई पंप का जो प्रेशर था टूटा हुआ था, मतलब कि प्रेशर प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे हमने इसमें पंप चेंज कर दिया, लेकिन बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हुई, पंप नया डालने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और दूसरी बात दोस्तों, हमने फिर इसका स्पार्क प्लग को निकाला और स्पार्क प्लग भी हमने चेंज किया, जैसे कि यहाँ पे एक खड़ा हुआ स्पार्क प्लग इसी का, तो इसको निकाल दिया और नया स्पार्क प्लग डालने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे दोनों टॉपिक्स में पंप भी नया डाल दिया दोस्तों, स्पार्क प्लग भी चेंज करना था वो भी कर दिया, बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं होती। तो दोस्तों अब समझ में जो आ रहा था, हमें लग रहा था इसका जो मैन है कंप्रेसर, हो सकता है इसका कंप्रेसर डाउन हो गया, या हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में कहीं दिक्कत हो। तो दोस्तों अब हमारे पास एक तीसरा चौथा पॉइंट और बन गया, इलेक्ट्रिशियन पार्ट हो सकता है कोई भी खराब हो, लेकिन उससे पहले हम इसका कंप्रेसर चेक करेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने ना क्या करा, इसका कंप्रेसर भी चेक कर लिया और यहाँ पे जो है कंप्रेसर भी ठीक है। तो एक बार ना मैनुअली आपको बाइक स्टार्ट करके सुनाता हूं, आप भी इसका दोस्तों पूरा सेल्फ ले रही है और लग रहा है कि हाँ भैया स्टार्ट होने वाली है, लेकिन होते होते रह जाती है। ये देखो यहाँ पे क्या है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा जो है, ये देखो कंप्रेसर भी ठीक है, यहाँ पे जो कंप्रेसर है इसका कंप्रेसर ठीक है। दोस्तों जैसे कि इंजन का कंप्रेसर बन रहा है, आपने भी साउंड सुन लिया, बढ़िया बन रहा है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जैसे कि इसमें टूल लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं मैनुअली ढूंढता रहूँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाएगी, तो इसलिए हमारे पास जो टूल है वो स्पेशल टूल है और जो कि हम इसमें लगाएंगे। तो फाइनली गाइस ये देखिए, आप देख सकते हो ये वाला टूल है हमारे पास जो कि हम इसमें लगा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे रियर सीट में दे रखा होता है इस साइड में, तो यहाँ पे लग गया ये, और अब हम इसको चलाएंगे
और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या कोड आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी थ्रॉटल बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, जो जिसकी तरीके से ये मुझे बता रहा है। तो इसके अंदर जो हमारे थ्रॉटल बॉडी है उसके सेंसर जो है या तो हाई वोल्टेज उसके अंदर जा रहा है या हो सकता है हमारी थ्रॉटल बॉडी खराब हो। तो दोनों ही चीज़ में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सेंसर वगैरह को चेक करने। और दोस्तों इसकी थ्रॉटल बॉडी में आपको निकाल के दिखा, तो नॉर्मली थ्रॉटल बॉडी में क्या होता है, अगर हमारी थ्रॉटल बॉडी में कुछ भी दिक्कत होती है, किसी भी सेंसर में दिक्कत होती है, तो RPM जो है ना हाई होते हैं, बहुत तेज़ी के साथ चढ़ते हैं, तेज़ी के साथ उतरते हैं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो वो साफ पता लग जाता है कि भैया थ्रॉटल बॉडी में दिक्कत है। लेकिन इस वाली थ्रॉटल बॉडी में कुछ अलग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बाहर निकाल के थ्रॉटल बॉडी। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैं कह रहा था थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल अलग है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, एक्सीलेटर केबल आपको कहीं नहीं आएगी, ये क्या रेड एंड वायर के थ्रॉटल बॉडी है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है। ये देखिए ये इसके अंदर सेंसर है, ये भी सेंसर है, तो इनमें से एक सेंसर ख़राब है जिसकी वजह से बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो रही हमारी। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख ली थ्रॉटल बॉडी जो है, और जो हमारे पास टूल है इससे हमारा जो है काम आसान हो गया। तो सीधा हमने इसकी थ्रॉटल बॉडी को पकड़ा है कि हाँ इसके अंदर ही ये प्रॉब्लम बता रहा है। तो अब थ्रॉटल बॉडी को चेक करते हैं, और दोस्तों अपनी बाइक को वहीं कराएं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ भैया ये कर सकता है। बाकी तो कोई भी मना नहीं करता KTM करने से, जिसको आता है नहीं भी आता वो भी कहता है हाँ हम कर देंगे, लेकिन बाद में फंस जाते हैं। वहीं गाड़ी कराएं जहाँ पर आपकी बाइक को अच्छे से ठीक करा जा सके। तो चलिए इस थ्रॉटल बॉडी को रखते हैं और फिर दूसरी थ्रॉटल बॉडी लगाते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये थ्रॉटल बॉडी हमारी नई वाली निकालो भाई इसके डब्बे के अंदर से। ये देखो, ये देखिए, ये देख रहे हो एकदम ब्रांड न्यू थ्रॉटल बॉडी है। और ये देखो इसको करते हैं फिर सीधा बाइक के अंदर, और फिर देखते हैं दोस्तों सेल्फ मार के बाइक स्टार्ट होती है नहीं होती। वैसे तो हो जानी चाहिए, बाकी स्टार्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है थ्रॉटल बॉडी फिट हो चुकी है, और करते हैं फिर बाइक को स्टार्ट यहाँ पे। चलो भाई मारो सेल्फ। ये देखो अब देखते हैं भाई बाइक स्टार्ट होती नहीं, मारो मारो। ये भाई देखा आपने, इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो थ्रॉटल बॉडी के अंदर। फाइनली गाइज यहाँ पे जो बाइक तो स्टार्ट हो गई, लेकिन दोस्तों एक बात बताओ मुझे, जैसे कि मैंने भी आपको तीन टिप्स बताए इसके अंदर, पहला दूसरा तीसरा, जैसे कि सबसे पहला जो था फ्यूल पंप था, स्पार्क प्लग था और इंजन का कंप्रेसर था। बेसिक बाइकों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना दोस्तों, वो इन तीन चीज़ों के अंदर आती है जब भी बाइक स्टार्ट नहीं होती। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स वगैरह आ रही हैं, तो उनके अंदर नई नई प्रॉब्लम भी आ रही हैं, और जैसे जैसे इन फ्यूचर जो जो फ्यूचर गाड़ी के अंदर डलता रहेगा, उस फ्यूचर में प्रॉब्लम तो आनी आनी है। जैसे कि इसके अंदर जो थ्रॉटल बॉडी है, मुझे नहीं लगता अभी तक किसी बाइक में चेंज कराई होगी जो इस बाइक के अंदर दिक्कत आई है, और इस थ्रॉटल बॉडी में जो दिक्कत आई है, हमें भी नहीं लगा था कि भैया इसकी थ्रॉटल बॉडी में दिक्कत आ सकती है, ये खराब हो सकती है। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की कोई वारंटी वारंटी कुछ नहीं होती जब तक चल रहा, जब तक उसकी लाइफ है। और देखो जैसे इन बाइक के साथ हो गया, अचानक चलते चलते बाइक बंद हो गई, और कितने परेशान हुए ये भी के लेके आए, फिर हमारे पास काफ़ी दूर से लेके आए, और इन्होंने एक जगह पे एक काम भी कराया, लेकिन उनसे सक्सेसफुल नहीं हुआ या उनसे हुआ नहीं, तो ये हमारे पास फाइनली आया। और देखो दोस्तों हमने भी इसको अच्छे तरीके से चेक किया, जैसे लाइन वाइज से करते हैं, और चेक करने के बाद फाइनली हमें जो अपने इस स्पेशल वाले टूल से पता लगा इसकी थ्रॉटल बॉडी के अंदर दिक्कत है। तो हमने दोस्तों जैसे ही थ्रॉटल बॉडी को डाला, और देखो आपके सामने रिजल्ट है। मेरे डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप का लिंक है, आप आ सकते हो वहाँ से हमसे काम कराने के लिए। आपकी बाइक में जो भी होगा, सर्विस का काम हो, इंजन का काम हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से प्रॉब्लम हो, आप भी हमसे करा सकते हो। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरीके से लाते रहेंगे हम आपके लिए एक से एक नॉलेज भरी वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।